उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को तगड़ा झटका देने वाली है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त में सरकारी एजेंसियों का फायदा उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से दुगनी रफ्तार से समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। बीते दिनों आजम खान का मुद्दा काफी शांत था और आजम खान का लग रहा था कि उनके ऊपर से बुरे दिनों का साया हट गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ताक में बैठी थी कि कब सही मौका आए और आजम खान के ऊपर कार्यवाही करके चुनाव में फायदा ले लिया जाए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आया है और इसी दौरान समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद आजम खान पर कार्यवाही की जा रही है और राज्य सरकार ने आजम खान की जमानत को निरस्त करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से याचिका दाखिल की है और हाईकोर्ट इस मामले पर 2 फरवरी को राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई करने के लिए राजी भी हो गया है। लेकिन क्या मामला है जिसके लिए आजम खान के ऊपर ये लगातार बीते 1 सालों से उनके जमानत को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार लगातार अर्जी क्यों डाल रही है, क्या मामला है और क्यों आजम खान एक बार फिर से सरकारी शिकंजे में फंसने वाले हैं, उस चीज को जानते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी आजम खान को फिलहाल कुछ मामलों में जमानत मिली हुई है और इसी जमानत को निरस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। दरअसल आजम खान पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जरिए अवैध रूप से जमीन खरीदने सहित दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और फिलहाल ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो जमानत पर बाहर हो सकते हैं चुनाव के पहले, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उनको हर हालत में जेल के अंदर ही देखना चाहती है और इसीलिए एक बार फिर से जमानत को निरस्त करवाने के लिए अर्जी लगाई जा रही है। और 1 साल से लगातार प्रदेश सरकार के अलग अलग मामलों में जिनमें आजम खान को जमानत मिलती है उसको उस जमानत को निरस्त करने के लिए रोकने के लिए सरकार अर्जियां लगाए जा रही है। फिलहाल आजम खान लंबे वक्त से सीतापुर की जेल में बंद हैं और पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग आरोपों में जो कई आपराधिक केस दर्ज हुए थे उनके आधार पर वो जेल में बंद हैं और उन पर सबसे ज्यादा मुकदमे उनके गृह जनपद रामपुर में ही दर्ज हुए हैं। और आजम खान इन सब में अकेले ही नहीं है, उनके परिवार के लोग भी शामिल हैं इनमें सहभागी, इनके बेटे और पत्नी पर भी बराबर के आरोप हैं और वो भी बीते दिनों गिरफ्तार हुए थे, हालांकि जमानत पर बाहर हैं। और दर्जनों मामलों में ऐसे ही मामलों में अपराधी आजम खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश मिला है, हालांकि अभी वो जेल से बाहर नहीं हुए हैं, अभी रिहा नहीं हुए हैं, कुछ मामलों में उनको जमानत मिलनी बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि आजम खान बाहर आए और खास करके तब आजम खान बाहर आएंगे अगर, तो उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल पर बहुत तगड़ा असर डाल सकते हैं। और एक तरीके से जिस तरह से बीते 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो इमेज बनाने की कोशिश की है कि कोई भी व्यक्ति हो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी, कितना भी ताकतवर हो, चाहे उसके पास कितनी भी ताकत हो, लेकिन उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और वो बाहर नहीं रहेगा। अगर ऐसे हालत में आजम खान बाहर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की साख पर भी बट्टा लगे होगा और उसके साथ साथ आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तगड़ा नुकसान होगा ही होगा। और अगर आजम खान बाहर नहीं निकलते हैं तो समाजवादी पार्टी का तगड़ा नुकसान है और भाजपा का फायदा ही फायदा। समाजवादी पार्टी में आजम खान का कद बड़ा है और साथ ही साथ मुस्लिम समाज में उनकी गहरी पैठ है जो कि समाजवादी पार्टी का कोर वोटर ग्रुप है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मसलों को ध्यान पर रखते हुए, चाहे वो धर्म के नाम पर वोट करने का हो, चाहे आजम खान का सपा में कद हो और उसके आधार पर पोलराइज करने की जो क्षमता है आजम खान के अंदर उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि आजम खान जेल से बाहर आए और भाजपा को किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचाए। इन तमाम मामलों के बीच में फिलहाल बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव तक ऐसी कार्यवाहियां रोक दे, उसके बाद जो मर्जी हो कार्यवाही कर ले अगर सरकार बचाने में कामयाब रहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि हम अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं और जब हमको मौका मिलेगा, जब किसी के खिलाफ सबूत होंगे तभी हम कार्यवाही करेंगे। अब इन तमाम चीजों के बीच देखने वाली बात होगी कि आजम खान को राहत मिलती है या नहीं और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करती है कम से कम विधानसभा चुनाव निपट जाने तक के लिए आजम खान को जेल में रखने के लिए। देखने वाली बात होगी ये तमाम चीजें, हम लगातार इसके बारे में बात करते रहेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या कुछ घटित हो रहा है उसको लेकर के भी लगातार बात करते रहेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको साझा करें और साथ ही साथ क्या कुछ राय है आपकी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के, आजम खान और भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।